बालिकाओं के साथ अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में भाजपा की ओर से कलेक्टर निवास के बाहर नंबरों की सूची चस्पा की गई। भाजपा जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़ का कहना है कि अलवर पुलिस नाकारा हो चुकी है, अलवर की घटना में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। कलेक्टर निवास पर नंबर चस्पा किए गए हैं, अगर पुलिस कुछ भी करने में असमर्थ है तो आगे ये कार्रवाई हम करेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष रजनीश जयमन का कहना है कि कलेक्टर के पास हमारी बहन बेटियां न्याय मांगने गई थी तो उन्होंने धमकाते हुए उनके परिजनों के नंबर मांगे थे, हमने उनके पिता व भाइयों के नंबर चस्पा कर दिए हैं। आज ये सबको पता है कि 6-7 दिन से हमारे देश के अंदर ऐसी एक घटना हो चुकी है जिसके लिए पूरा देश शर्मसार हुआ है। उस शर्मसार घटना के यू टर्न एसपी ले रही है और कलेक्टर यू टर्न ले रहा है। एसपी कह रही है कि ये रेप हुआ है और कभी कहती है कि नहीं हुआ। इस यू टर्न को देखते हुए कलेक्टर साहब जब हमारी बच्चियाँ हमारी बहनें उनसे मांगे मानने के लिए अपने न्याय के लिए जाती है तो उनसे पापा के नंबर पूछा जाता है, पापा के नंबर दिया जाए, उनको धमकाया जाता है कि आप राजनीति क्षेत्र में मत आओ, क्योंकि कलेक्टर साहब को खुद को ही एमएलए बनना है कठुमा इस विधानसभा से, इसलिए वो डाटा तैयारी कर रहे थे। उन डाटा की तैयारी को देखते हुए हमने उन पिताओं के नंबर, उन भाई बहनों के नंबर हमने उनके घर के आगे चस्पा किया है जिससे उनको पता लग जाए कि आपको नंबर चाहिए, इनसे पूछे। ये चाहते हैं कि इस बेटी को न्याय मिले, अलवर की बेटी को न्याय मिले। इस मांग को लेकर हमने कर साहब को ये नंबर की लिस्ट दी है, इसको देखकर वो फोन करे और बच्चियों से पूछे कि आपको न्याय चाहिए और ये अगर चाहे तो अपने डाटा के रूप में काम मिल सकते हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में ये काम भी आएंगे। जो नंबर हमने चस्पा किए हैं इसका एक मूल कारण है कि हमारे अलवर की जो पुलिस है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अभी तक 11 तारीख को ये घटना है दुष्कर्म वाली, अभी तक इस पे कोई भी इनको सुराग नहीं मिला है। तो हमने वो चस्पा करके ये बोला है अगर तुम मारे नहीं कर सकते तुम तो ये नंबर है, इन पर आप डायल कीजिए, तुम नहीं कर सकते तो ये कार्रवाई फिर आगे हम करेंगे। जिस तरह कलेक्टर साहब से मिलने हमारी बच्चियां गई थी, कलेक्टर साहब बोलते हैं कि आप किसके बुक कहने से आई हो, माँ बाप के कहने से क्यों आई हो, या नेतागिरी करने आई हो तो आपके माँ बाप के नंबर दीजिए, जो उनको न्याय अनुचित है उनको नहीं बोलना चाहिए था, जो उनके गलत वर्ड है। बच्चियां न्याय के लिए आई हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आई हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, प्रशासन के पास तो जाएंगी। हमारी सुरक्षा आज सरेआम बलात्कार हो रहे हैं तो सुरक्षा कौन करेगा, प्रशासन करेगा, उल्टा प्रशासन बच्चियों से उल्टा पड़ रहा है। जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसपी साहब आप कभी बोलती हैं ये दुष्कर्मी घटना है, शंका है, कभी बोलती हैं एक्सीडेंटल है, कभी अब फिर बोल रही हैं शंका हो सकती है। आखिर आमजन जाए तो जाए कहाँ, इसलिए हमने वो नंबर चस्पा किए हैं। अगर तुम नाकामयाब हो, नहीं कर सकते तो अपने हाथ ऊंचा कर दो, आम जन अब ये लड़ाई लड़ेगा।